Good morning class, hope you are fine. Today we are going to start exercise 10, question number 1. Question number 1 is that fill in the blanks. 3 points on a line, okay? On a line are called collinear point. आपको पता है कि एक ही जो है वो थ्री पॉइंट एक है कि एक लाइन में मोर देन थ्री या तीन से ज्यादा पॉइंट आते हैं वो कौन से होते हैं कोलिनियर पॉइंट होते हैं. टू प्लेन इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन लाइन. आपको पता है दो प्लेन किसी एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट. सिर्फ एक लाइन आती है कि जो टू पॉइंट जैसे वो ये कहता है कि ये एक लाइन है जो टू पॉइंट के साथ ड्रॉ की जाती है. एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम एक लाइन सेगमेंट को टू पॉइंट्स की जरूरत होती है. इसके ट्रू फॉल्स है. अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ. आपको पता है कि एक लाइन है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है. जबकि नहीं हमने क्या पढ़ा था, ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक लाइन की बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेट नहीं होती है, वो इनडिफाइंड होती है. जब देखो दोनों डायरेक्शन उसके लाइन के मूव करते रहते हैं, राइट से भी और लेफ्ट से भी, तो ये क्या होता है कि डिफाइंड नहीं होती है, इनडिफाइंड होती है. तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है. टू कैपिटल लेटर आर यूज टू नेम अ लाइन. आपको पता है कि दो कैपिटल लेटर, जब आपने एक लाइन ड्रॉ की जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं तो उन दोनों को हम कैपिटल लेटर के साथ शो करते हैं. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो ये कहते हैं कि टू कैपिटल लेटर, ये आपके पास कैपिटल लेटर यूज होते हैं नेम लाइन के नेम रखने के लिए. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू इन वन लाइन. अब अगर एक लाइन में क्या एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है. अब मैंने आपको बताया था, अपने डेफिनेशन में पढ़ा था, एक लाइन में जो है मोर देन लाइन जो है वो ड्रॉ की जा सकती है. उसके बाद देखिए फोर, अ लाइन सेगमेंट है डेफिनेट लेंथ. बिल्कुल लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होता है कि एक लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं और ये बिल्कुल डेफिनेट लेंथ होती है. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. टू प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन. बिल्कुल दोनों दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं. अभी ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं पेज नंबर 154 के, कि पॉइंट में जीरो डिमेंशन होती है क्योंकि ना तो इसमें कोई लेंथ होती है ना तो कोई इसमें ब्रेथ होती है. और अगर लाइन देखा जाए तो ये वन डिमेंशन होता है क्योंकि इसमें जस्ट लेंथ होती है. प्लेन में अगर देखा जाए तो ये टू डिमेंशन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ भी होती है, इसमें ब्रेथ भी होती है. आप जो है ये रेक्टेंगल देख लें, आप ये देख लें, पैरेललोग्राम देख लें. इसी तरह सॉलिड में देखें कि ये थ्री डिमेंशन है. आपके पास क्यूब की डायग्राम है, सॉलिड में से कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड जो है इसमें लेंथ भी होती है, इसमें ब्रेथ भी होती है और इसमें हाइट भी होती है. तो इसलिए इसको हम थ्री डिमेंशनल कहते हैं. बट इन तमाम को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें. थैंक यू क्लास.